स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। आइए अब इसे वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है, इसमें हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं और जो ब्रैकेट में बाइंड हैं, सबसे पहले हमने उनको हल करना है। तो आइए सबसे पहले ब्रैकेट वाले मैट्रिसेस को प्लस करते हैं। इसमें हमारे पास है 1+1, 2+-1, 3+1, 2+2, 3+-2, 1+2, 1+3-1+1, 0+3। इसके साथ हम सी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं, -1, 0, 0, 0, -2, 3, 1, 1, 2। अब सबसे पहले हम इसका आंसर हासिल करेंगे। इसके आंसर में हमारे पास 1, 1, 2 हो गया। 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 3+1, 4 हो जाएगा। सेकंड रो में हमारे पास 2+2, 4, 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1 आंसर, 1+2, 3 आंसर, 3+1, 4 आंसर, और ये इनवर्स सेम एलिमेंट ये ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा, 0+3, यहाँ पे 3 आएगा, प्लस हमारे पास सी वाला मैट्रिसेस, अब ये 2 हो गए हैं सी वाला साथ मिला के। अब हमने इनको दोबारा से प्लस करना है, तो यहाँ पे 2+-1, 1+0, 4+0। सेकंड रो में हमारे पास 4+0, 1+-2, 3+3। थर्ड रो में 4+1, 0+1, 3+1। इसका आंसर हम साथ ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे +-2 में से 1 माइनस किया, यहाँ 1 आंसर, 1+0, 1 आंसर, 4+0, 4 आंसर। सेकंड रो में 4+0, 4, +-2 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो आंसर यहाँ पे 1 आएगा, साइन माइनस की आएगी। 3+3 यहाँ पे हो गया 6, 4+1, 5, 0+1, 1, 3+1, 4। इसके बाद हमारा अगला जो एसोसिएटिव लॉ का नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड हमने हल की है, राइट हैंड साइड को हल करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में बाइंड किसे को हम पहले हल करेंगे, बाकी वैसे ही लिखेंगे। ब्रैकेट वाले को हल किया, 1+-1, -1+0, 1+0। सेकंड रो में 2+0, -2+-2, 2+3। थर्ड रो में 3+1, 1+1, 3+2। अब हम पहले इस हिस्से का आंसर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, -1, 0, +। इसका आंसर हमारे पास आएगा +-, ये इनवर्स साइन के साथ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 0 आएगा, -1+0, -1 आएगा, 1+0 यहाँ पे 1 आएगा, 2+0 सेकेंड रो में 2 आंसर, -++-, दोनों 2 जो हैं वो माइनस के हैं, यहाँ पे आंसर आएगा -4, क्योंकि -, हमेशा प्लस होता है लेकिन साइन हमेशा आंसर के साथ माइनस की रहती है। 2+3 यहाँ पे आएगा 5। लास्ट यानी थर्ड रो में 3+1, 4, 1+1, 2, 3+2, फिर 5।
अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, 1 + 0, 2 + -1, 3 + 1, फिर है 2 + 2, 3 + -4, 1 + 5, 1 + 4, -1, +2, 0, +5। इसका आंसर साथ ही लिख लेते हैं। यहाँ पे 0 + 1 आंसर में 1 आएगा, 2 में से 1 माइनस होगा 1 आएगा, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 4 में से 3 माइनस होगा -1, 5 + 1 6, 4 + 1 5, 2 में से -1 होगा आंसर 1 और 5 + 0 आंसर 5। तो जो है वेरीफाई हो चुका है, दोनों आंसर सेम टू सेम यहाँ पे बराबर है, यानी के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जी तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिख लिया है, इसमें हमने वेरीफाई करना है ए प्लस इंटू बी माइनस सी इज इक्वल है इंटू ए माइनस सी प्लस बी के। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को हमने मेंशन किया है और मैंने इनकी तमाम मैट्रिसेस वैल्यू पुट कर ली है। अब हम इसको हल करते हैं। तो करना क्या है, हमने पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को ही हल करना है। ब्रैकेट वाले हिस्से में पहले हमारे पास जो भी हमने क्वेश्चन किया था अभी उसमें प्लस था, अब यहाँ पे माइनस है, लेकिन इसको हल करने का तरीका वही सेम है। जिस तरह से हमने करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस किया है उसी तरह से अब हम इनको माइनस करेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। 1 2 3 पहला मैट्रिक्स हम वैसे लिखेंगे, 2 3 1 1 - 1 0 प्लस, यहाँ पे हम अगले हिस्से में जो है उनको हम माइनस करेंगे, 1 - -1 -1 - 0 1 - 0 सेकेंड रो में 2 - 0 -2 - -2 2 - 3 थर्ड रो में 3 - 1 1 - 1 3 - 2। अब हम इसका आंसर फाइंड करते हैं और पहले मैट्रिक्स को हम वैसे ही लिखेंगे, 1 2 3 2 3 1 1 - 1 0 प्लस है। अब यहाँ पे डबल साइन हमारे पास माइनस की है, माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ पे आएगा 2। तो नेक्स्ट -1 में से 0 माइनस होगा आंसर आएगा -1, यहाँ पे 1 में से 0 माइनस होगा आंसर 1, 2 में से 0 माइनस होगा आंसर 2। तो यहाँ नेक्स्ट जो हिस्सा है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो तो ये प्लस में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे -2 माइनस इंटू -2, इसको हम यूँ हल करेंगे, -2 माइनस माइनस प्लस होगा। और अब यहाँ पे इनवर्स साइन आ गई है और सेम एलिमेंट है, ये ख़त्म हो जाएंगे और हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे 0 आएगा। उसके बाद 3 में से 2 हमने निकालना है, तो यहाँ पे -1 आंसर, 3 में से 1 माइनस किया 2 आंसर, ये इनवर्स साइन के साथ ये भी ख़त्म हो गए, यहाँ पे 0, 3 में से 2 बाकी 1। और अगले पोर्शन में अब 1 + 2 2 + -1 3 + 1 2 + 2 3 + 0 1 + -1 1 + 2 -1 + 0 0 + 1। इसका आंसर यही लिख लेते हैं। 1 + 2 फर्स्ट रो में 3 आंसर, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आंसर, 3 + 1 यहाँ पे होगा 4, 2 + 2 होगा 4, 3 + 0 3, यहाँ पे इनवर्स साइन के साथ 1
प्लस का और माइनस का खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे 1 प्लस 2 आएगा 3, -1 प्लस 0 -1 आंसर, 0 प्लस 1 1 आंसर। तो अब हम हल करते हैं साइड को, इसमें भी हमने पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को हल करना है। 1 माइनस -1, 2 माइनस 0, 3 माइनस 0, 2 माइनस -2, 3 माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 3। सेकेंड रो में 3 माइनस 2 और 1 माइनस 3, ठीक है। थर्ड रो में 1 माइनस 1, -1 -1, 0 माइनस 2। अगला मैट्रिक्स वैसे ही लिखेंगे, 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2, 3 1 3। इसके बाद इसका आंसर होगा, यहाँ पे वही बात, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस का 1 होगा और ये हो जाएगा 2। उसके बाद 2 माइनस 0 आंसर 2 आएगा, 3 माइनस 0 आंसर 3 आएगा, 2 माइनस 0 फिर आंसर 2, 3 में से 2 1, यहाँ 3 में से 1 माइनस हुआ तो -2 आंसर। इनवर्स साइन के साथ यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा और 0 आएगा, -1 -1, यहाँ पे -2 आंसर आएगा, 0 माइनस 2, यहाँ पे -2 ही आंसर होगा। प्लस इसके साथ हम करेंगे अब अगला मैट्रिक्स, 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2, 3 1 3। इसको हम करेंगे प्लस, पहले हमने किया है माइनस, 3 का वही होगा 2 प्लस 1, 2 प्लस -1, 3 प्लस 1, 2 प्लस 2, 1 प्लस -2, -2 प्लस 2। तो थर्ड रो में 0 प्लस 3, -2 प्लस 1, -2 प्लस 3। इसका आंसर हम यहीं पे लिखेंगे, 2 प्लस 1 3, 2 में से 1 माइनस हुआ 1, 3 प्लस 1 यहाँ पे आया 4, फिर उसके बाद 2 प्लस 1 2 4, उसके बाद -2 प्लस 2 यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, 2 प्लस 1 यहाँ पे आएगा 3 3, 0 प्लस 3 3, -2 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे -1, -2 में से प्लस माइनस -3 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 1। तो यहाँ पे ये आंसर हमारा कंप्लीट हो चुका है और